Namaste. So welcome all of you to the fifth day of the World Breastfeeding Week. And it has been just going so amazing since the last 5 days, because wherever I'm seeing on Facebook, there are just messages and webinars on Facebook on breastfeeding. So this is an exciting year for breastfeeding. Today we are discussing an extremely crucial topic about which there is a lot of ignorance, and that's why bottle has become so ubiquitous, so common whenever you go outside in the public arena. So aaj hum Mrs. Manju Verma se baat karne wale hain. Wo meri ek teacher hai, guide hai, but more than that, she is a brilliant lactation consultant. She practices in Bombay. One of her hospitals is Breach Candy. She also works in Bhatia Hospital. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो आज मंजू मैम से हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो एक ब्रेस्ट फेड बेबी को हमको अगर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, फॉर्मूला पिलाना है, या कुछ भी, इनफैक्ट पानी भी पिलाना है, तो हम लोग क्या ऐसी कौन सी चीजों से पानी पिला सकते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग से इंटरफेयर ना करे. जैसे हम लोग ने कटोरी से वाटी फीडिंग सुना है, कटोरी और चम्मच से फीडिंग सुना है, फिर हमने सुना है, शायद बॉटल भी सुना है हमने. तो क्या बॉटल देना सही है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है? जब हमें कारण पता होते हैं, रीजंस पता होते हैं, तो हम कोई भी चीज और कन्विंसिंगली कर सकते हैं. तो मैडम विल टॉक टू अस अबाउट हाउ टू डू कप फीडिंग, हाउ टू डू स्पून फीडिंग, एंड आर देर मोर मेथड्स ऑफ फीडिंग अ ब्रेस्ट फेड बेबी, राइट? बिकॉज बहुत सारे टाइम होते हैं जब मम्मी पास में नहीं होती बेबी के. सो हाउ टू गिव मिल्क टू द बेबी, एंड सेकेंडली इफ अ बेबी इज ऑन बॉटल फॉर सम रीजन, और बाद में मम्मी को रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो बॉटल फीडिंग ठीक नहीं है, मुझे वापस ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, तो उस बॉटल फेड बच्चे को हम कैसे वापस ब्रेस्ट फीडिंग पे ला सकते हैं, ये हम मंजू मैम से बात करेंगे. मंजू मैम नमस्ते. नमस्ते. आई कांट सी यू मैम, वन मिनट. ओह, वीडियो शेयरिंग हो रहा है? योर वीडियो इज ऑन आई होप. या यस. Yes, great. Namaste, ma'am. Namaste. Thank you so much. Yes. So let me just pin your video so that it doesn't keep changing. So ma'am, my first question to you is कि ऐसा बहुत बार होता है कि मम्मी शायद काम करने गई है और बच्चा जो है वो क्रेश पे है ना, या घर पे है और बच्चे का ध्यान उसकी दादी या नानी रख रही है. तो ऐसे टाइम पर मम्मी ने बहुत बार मिल्क को एक्सप्रेस करके रखा होता है अपने फ्रिज में, या माँ को हो दादी या नानी या कैटेगर को हो सकता है फॉर्मूला देना है, एक्सप्रेस मिल्क देना है, या शायद एक साल के बाद पानी या इवन काउ मिल्क भी देना है, जो आइडियली हम लोग अवॉइड करने को कहते हैं पहले एक साल में. तो हाउ डू यू सजेस्ट दैट बेबी बी गिवन मिल्क, ब्रेस्ट फेड बेबी बी गिवन मिल्क? व्हाट आर द आइडियल वेज सो दैट इट डजंट इंटरफियर विद ब्रेस्ट फीडिंग? अच्छा, सो बेसिकली देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अगर एक दो दिन का बच्चा है, न्यू बॉर्न है, तो उसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिल्क चाहिए. तो उसके लिए जो है स्पून फीडिंग ठीक रहता है. पर जब माँ को दूध आ जाता है और बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बहुत सारा दूध अगर बच्चे को पिलाना हो तो वो स्पून से थोड़ी दिक्कत होती है. तो क्या दिक्कत होती है? बार बार स्पून भर के आप बच्चे के मुंह तक लाते हैं, तो उसमें एक तो दूध गिरने का भी बहुत सारा चांस होता है, और दूसरी बात है कि बच्चे को उतनी देर वेट करना पड़ता है, गैप्स आते हैं उसकी फीडिंग में. उसको बहुत तेज भूख लगी है और आप एक एक स्पून उसको दे रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, तो बहुत सारे गैप्स की वजह से बच्चा बहुत रोने लग जाता है, चिड़चिड़ करने लगता है, और वो ये फीडिंग मेथड ज्यादातर लाइक नहीं करता है, और माँ के लिए भी बहुत ही कम्बरसम हो जाता है अगर उसको 70-80 ml मिल्क पिलाना है, एक्सप्रेस्ड मिल्क.
तो वो स्पून से उसको बहुत देर लग जाएगी और दोनों के लिए ही ये बहुत ही इनकन्वीनियंट मेथड हो जाता है। तो दूसरा है कि वो डायरेक्टली कटोरी या कप से पिला सकती है। तो इसके थोड़े से मेरे पास शुड आई साथ में तो किस तरीके का कप होना चाहिए, किस तरीके की कटोरी खरीदें अगर वो खरीदना चाहें तो? हाँ, तो मेरे पास एक यहाँ पे रखी हुई है, तो जैसे अब मेरे पास एक फोटो भी है तो ये मैं शेयर करती हूँ। सो आप तब तक कटोरी दिखा दीजिए मैम। हाँ, तो ये कटोरी जो है ये आप देख रहे हैं, तो ये कटोरी है ना छोटी सी है, साफ साफ है और इसके जो एजेस है वो एकदम स्मूथ है। तो स्मूथ होने चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी देंगे हम वापस वापस भर के, एंड इसके जो है ये स्मूथ होना चाहिए और इजिली क्लीन। हम ये कटोरी जो है ऐसा चीज होती है जिसको हम इजिली क्लीन कर सकते हैं। तो बाजार में आपको ये कप भी मिलते हैं, या आप कोई सा भी अपने घर में जो चीज है, कप या वाटी है जैसे मैंने अभी दिखाया, वो यूज कर सकते हैं। या फिर और एक एडवांस्ड है वो है ये निफ्टी कप। तो ये निफ्टी कप भी, हम इसका भी बाद में फोटो देखेंगे, तो ये निफ्टी कप भी आ गया है मार्केट में, तो ये भी बहुत अच्छा है यूज करने के लिए, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये कप के एडवांटेजेस क्या है ओवर स्पून फीडिंग? तो स्पिलेज नहीं होता है, स्पिलेज का चांसेस एकदम ही मिट जाते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें जो है बच्चे को रुकना नहीं पड़ता है। लाइक माँ ने अगर 20-25 ml एक साथ ले लिया तो वो 20-25 ml बच्चा पी लेता है, उसके बाद वो वापस रिफिल करके वापस देती है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं और ये क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान है, साफ करने के लिए, और ये हर घर में होती है कटोरी, तो ये आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। और एक ये सब जो मेथड्स हैं फीड करने के जिनका मैं आगे मेंशन कर रही हूँ, तो ये सब का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है और वो ये है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ इंटरफियर नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप बॉटल देते हैं, तो मैं बॉटल के डिसएडवांटेजेस बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि बॉटल देने से बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट पे सक करने में बहुत ही कम इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। जबकि अगर आप स्पून, कप, बोंडला वगैरह वगैरह चीजों से अगर आप दूध पिलाते हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फिर भी तैयार रहता है, वो तत्पर रहता है, वो उत्सुक रहता है कि मुझे ब्रेस्ट चाहिए, क्योंकि he wants, he has this reflex to suck. Yeah. So it doesn't interfere with mother's breastfeeding. So she can breastfeed as well as give with cup. So ma'am, that's great. I understood that ki hum jab bottle dete hain to baby starts to reject the breast. But when we give a katori or we give spoon or we give the nifty cup, baby does not stop breastfeeding and in fact is equally और प्रोबेबली मोर ईगर टू ब्रेस्ट फीड, है ना? तो हमें बॉटल इसलिए भी यूज नहीं करनी है और ये बाकी टेक्निक्स यूज करनी है। तो मैम, बिटवीन कप एंड अ स्पून, विच वन वुड यू प्रेफर फॉर अ बेबी दैट हैज क्रॉस द फर्स्ट 3 days? सो इट इज डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू, इट इज डेफिनेटली प्रेफरेबल टू यूज अ वाटी और अ कप टू फीड, because the baby can continuously get that amount which has been taken in the vati to feed. Yeah. And in a chamach you can only give about 5 ml or 5-6 ml at a time. So there is that gap frustrates the baby and spillage right. बहुत होता है। और कितनी बार ना जो spoon होता है वो constantly baby को यहाँ 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 लगता रहता है because baby's head keeps moving, है ना? और गिरता रहता है बार बार, तो दोनों frustrate हो जाते हैं। And sometimes we have to give 100 ml, 120 ml. How are we going to give with a small spoon? लेकिन ना मैम, किसी को कटोरी फीडिंग ज्यादा पता ही नहीं है। हमारे इंडिया में स्पून फीडिंग काफी कॉमन है, तो लोग कटोरी और स्पून करते रहते हैं लेकिन डायरेक्ट कटोरी नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अरे न्यूबॉर्न बेबी कैसे कटोरी से फीड कर लेगा, है ना? हाँ, तो ये जो है जो कप फीडिंग का मेथड है, ये डायरेक्टली आफ्टर बर्थ यूज कर सकते हो आप, इसमें कोई भी डर नहीं है। जैसे हम अभी वीडियो दिखाते हैं आपको, तो वीडियो में आप देखोगे कि कितना आसान है बच्चे को वाटी से दूध पिलाना, जितना इनफैक्ट वंस वंस माँ को एक बार वो पिला ले
तो वो इतना खुश हो जाती है कि इतना अच्छा तरीका मिल गया मुझे पिलाने का कि वो फिर सेट हो जाती है कि मुझे कटोरी से ही पिलाना है. सो मैम देन लेट्स लर्न कटोरी फीडिंग. आप अगर शेयर कर सकेंगे कैसे करना है कटोरी से फीड, वी विल इवन सी द वीडियो. या Oh, we see this actually, the cup feeding we have to see. So we have got, instead of the katori, I have a child feeding with a cup, which is equivalent to any katori that you can use at home. हाँ तो हम ये video, हाँ तो ये हम देखते हैं. The best way to describe cup feeding is baby is drinking from the cup, slurping, sipping, or lapping the milk up with their tongue, similar to how a kitten drinks milk. Do not pour the milk in. तो ये बच्चे को जब हम दूध देते हैं तो आपको ये कप बहुत ही हल्के से बच्चे के लोअर लिप पे रखना है और बच्चे के जो कॉर्नर ऑफ द माउथ पे है वहां दोनों साइड ये कप टच होता है और आपको कप टिल्ट करना है और सिर्फ एज तक लाना है दूध को और वो एज पे लाने के बाद बच्चा खुद ही उसको यू कैन प्ले इट अगेन सो एज पे लाने के बाद बच्चा खुद ही उसको सिप कर लेता है या लैप कभी कभी तो जीभ से ऐसे चाट भी लेता है जैसे आप देखेंगे इसमें वो एक्टिवली सक कर रहा है तो आपको जीभ निकाली हाँ तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको टिल्टिंग बढ़ाते जाना है और दूध को रिम तक यानी कि एज तक एकदम किनारे तक लाना है दूध को तो बच्चे को बहुत ही आसानी से दूध मिलता रहेगा. इसमें आपको बच्चे के मुंह में पोर नहीं करना है. इसमें पोर करेंगे तो क्या है बच्चा चोक हो सकता है. तो जब बच्चा खुद पीता है तो ही इज इन कंट्रोल. इस ये कप फीडिंग करते समय व्हाट वी कैन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड द चाइल्ड अपराइट. हाँ तो हम लोग वो पोजीशन देखते हैं कि बच्चे को कैसे पकड़ना है कप फीडिंग में. तो कप फीडिंग में जैसे आपने ये देखा कि आपको क्या करना है अपने हाथ से बच्चे की बैक और नेक को सपोर्ट करना है. आप नेक को कर्सर वहां लेके जा सकते हैं तो लोगों को पता चलेगा क्या बोल रहे हैं. हाँ 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 तो आपको बच्चे की बच्चे अपने हाथ से बच्चे का जस्ट होल्ड इट आपको बच्चे की नेक और बैक सपोर्ट करनी है उससे बच्चे की हेड भी सपोर्ट हो जाती है. हाँ तो आप देख रहे हैं बच्चा अपराइट पोजीशन में है और आपने बच्चे को अपने नी से या पिलो से अपने अपने पैर से या आप एक पिलो रख सकते हैं और उसको उसके अगेंस्ट रेस्ट करना है. ठीक है अब आप दूसरा पिक्चर देखते हैं और अगर बच्चे को आप हल्का सा एक कपड़ा लेके बच्चे को अगर आप रैप कर देते हैं अगर आप थोड़ा सा लपेट देते हैं तो क्या होगा उसके हाथ बीच में नहीं आते हैं. हाँ अगर आप बच्चे को बांधना नहीं चाहते या फिर बच्चा बहुत सो जाता है बांधने की वजह से या बच्चा बड़ा है और नहीं बांध सकते उसको बांधने में वो खुश नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं अपने अपने हाथ के सपोर्ट से हाथ जो है आपका वो बच्चे की नेक को सपोर्ट करेगा और आपका हाथ बच्चे के हाथ को पकड़ सकता है हल्के से जो कि उसका हाथ बीच में ना आए. तो इसमें भी बच्चा अपराइट पोजीशन में है और बहुत ही स्टेबल है एकदम स्टेबल है जो कि वो दूध पी सके. ये दोनों पोजीशन आप देख रहे हैं अपराइट है एक में बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा कपड़े से लपेटा हुआ है और एक में बच्चे को बिना लपेटे हुए. मैम इनफैक्ट मैंने तो जब मैं NICU में काम किया था मैंने सायन हॉस्पिटल में तब तो मैं देखती थी कि इवन प्रीटर्म बेबीज वर फेड विद अ स्मॉल कप मतलब 32 वीक्स 34 वीक्स. हाँ तो NICU में जब हम म्युनिसिपल हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जिस वाटी में माँ दूध एक्सप्रेस करती है जिस कटोरी में दूध एक्सप्रेस करती है
वो हम इधर से उधर नहीं पलटते, वो कटोरी से ही एकदम प्री टर्म बच्चा भी है, फुल टर्म न्यू बॉर्न बच्चा है, तो उसको आप बाटी जैसे हमने यहाँ अभी फोटो में दिखाया, आप वापस दिखा देंगे कि कैसे उसके लिप्स पे वो रखना है, और वो रख के आप लिप्स पे रख के आप थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो बच्चा एकदम प्री टर्म बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा आसानी से ले सकता है। एनआईसीयू में शुरू में अगर बच्चे को ट्यूब से पिलाया जा रहा है तो ट्यूब के बाद उसको फिर वाटी फीडिंग, जब उसका प्रोग्रेस होता है, उसका वो थोड़ा रिकवर होता है, थोड़ा बेटर होता है उसकी कंडीशन, तो फिर उसको कप फीडिंग करते हैं। मैम अगर हम लोग कप को, मतलब नॉर्मली मैंने चम्मच से भी या कटोरी से भी देखा हुआ है, आदत होती है लोगों की मुंह में गिरा देने की दूध की, तो अगर हम दूध गिरा देते हैं तो उसमें और बॉटल में फिर क्या फर्क रह गया, है ना, क्योंकि बेबी कंट्रोल में नहीं है और वो चोक हो सकता है, सांस की नली में जा सकता है ना। तो एक्टिव फीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट पैसिव फीडिंग, राइट? करेक्ट। तो बॉटल में जो है बच्चा कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि आपने बॉटल बच्चे के मुंह में दे दी तो उसके बाद जब तक वो पूरी वॉल्यूम खत्म नहीं हो जाए तब तक वो बॉटल उसके मुंह में ही रहती है। अगर उसको 10 ml कम चाहिए था उससे तो वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि अगर वो कप फीडिंग कर रहा है तो वो क्या करता है, जैसे उसका पेट भर जाता है और वो एक्टिवली फीड कर रहा है तो उसको जितना जल्दी पीना है या जितना स्लोली पीना है या जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी उसको पीना है, जितनी मात्रा में उसको चाहिए दूध, उतनी मात्रा में पी के जब उसका पेट भर जाता है तो वो अपने लिप्स बंद कर लेता है, तो आपको पूरा इंडिकेशन मिल जाता है कि बच्चे का पेट भर गया है। तो इसमें बहुत ही बच्चा कंट्रोल में रहता है एज कम्पेयर टू बॉटल। जी मैम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा है बोंडला से काफी लोग फीड करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बोंडला? अगर हमारे पास एक फोटोग्राफ है बोंडला की, आई डोंट नो सब लोग जानते हैं कि नहीं बोंडला के बारे में, अगर आप एक बार दिखा सके तो। हाँ हाँ, एक मिनट में अभी दिखाती हूँ। तो बोंडला या साउथ में उसको पलडाय बोलते हैं, तो वो पलडाय का फोटो जो है, तो पलडाय जो है अगर आप देखते हैं तो वो एक ऐसे दिए जैसे शेप का होता है और उसमें पहले कटोरी होती है और फिर उसमें चोंच की तरह थोड़ा सा आगे निकला दिख रहा है, ऊपर है फोटो सबसे ऊपर, वो आप दिखा सकते हैं ओपन करके, आपके ऊपर फोटो है ना आपके उसमें? हाँ, मैंने शेयर किया है, शेयरिंग इज पॉज्ड। ओके, नहीं शेयर नहीं हुआ है मैम, एक बार दोबारा कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ हाँ, अब हुआ है, तो अब हुआ है। हाँ, तो ये जो है कटोरी जैसा है और उसमें एक चोंच जैसी बनी हुई है, तो ये बोंडला फीडिंग या पलडाय फीडिंग जो बोलते हैं, तो ये जो है अगर ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पाया जाता है कि कभी कभी नर्सेस जो है इससे पिलाती है, तो वो कभी उनका स्किल होता है कि वो पिला पाती है, पर इसमें खतरा क्या है कि आपने ये बच्चे के मुंह में दे दिया और थोड़ा सा बच्चा हिल गया तो ये बच्चे को सॉफ्ट, उसका बच्चे का जो सॉफ्ट पैलेट है या पैलेट है, जीभ है या माउथ में कहीं भी ये बच्चे को हर्ट कर सकता है, चुभ सकता है, तो ये इसके ये देने की बजाय अगर आप कप फीडिंग करते हैं तो उसमें बच्चे को कुछ भी खतरा नहीं है, कहीं भी लगने का डर नहीं है। और इसमें मैम जीभ से बच्चा एक्टिव फीडिंग कैसे करेगा, मतलब ये तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे एक्टिव फीडिंग के लिए, इसमें भी मुंह में गिरा देने वाली ही टेंडेंसी होगी मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इसमें भी जो है बच्चा ज्यादातर जो है वो बहुत जल्दी काम खत्म करने के लिए ये पोर कर देते हैं, ये सिर्फ क्या है चम्मच की जगह थोड़ा सा बड़ी चम्मच है तो मुंह के, हाँ, तो वो मुंह में जो है वो पोर हो जाता है और बच्चा पी लेता है। तो इसका एक वीडियो है मेरे पास, तो मैं शेयर कर दूं। जरूर जरूर मैम, सर। तो हम देखते हैं कि पलडा से भी बच्चे पीते हैं, पर उसमें बस थोड़ा सा ये खतरा लगा है तो उसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि माँ जो है वो कटोरी से पिलाए तो अच्छा है। इन्फेंट इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे बच्चा पलड़ा से दूध पी रहा है। देखिए ये देखो, ये जो इंसर्ट करा है मुंह में, हाँ,
तो इसमें जो है आप बहुत बच्चे के मुंह में कुछ भी आप देते हैं तो बच्चा सक करता है, और इसमें बच्चा एक्टिवली पी रहा है, पर बहुत बार ऐसे होता है कि ये इसकी एक तो ये टिल्ट करके बहुत सारा दूध देने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एक चोंच बनी हुई है, और दूसरा ये इसमें लगने का, इसके टिप से बच्चे को लगने का खतरा हो जाता है। ओके तो मैम आप निफ्टी कप की भी बात कर रहे थे और वो काफी इंटरेस्टिंग सा उसका स्ट्रक्चर था, तो जरा निफ्टी कप के बारे में भी बताइए। और बताइए कि एक सिंपल ये ऐसे 30 ml की कटोरी मेरे ख्याल से 20 rupees या 30 rupees में आ जाती है ना, तो ये जो आपका निफ्टी कप है ये कितने का होता होगा? ये तो महंगा आता है, और ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि इसको बल्क में मंगाना पड़ता है। तो अगर आपके पास अगर कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट है जो मंगा के रखती है, या कोई डॉक्टर है जिसने मंगा के रखा है, तभी आप ये निफ्टी कप यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअली एक एक पीस ये मिलना थोड़ा मुश्किल है और महंगा भी होता है। ओके तो हाँ, तो घर घर में कप, घर घर में वाटी होती है, तो ये बहुत ही सरल हो जाता है कि आप किसी भी वाटी में से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। पर अगर आपको देखना है कि निफ्टी कप से कैसे पिलाना है, तो इसका मेरे पास एक वीडियो है जो हम देख सकते हैं। जरूर दिखाइए मैम। मंजू मैम अभी तक आया नहीं है, कोई इशू है क्या? मंजू मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
हेलो जी मैम, मैं हूँ यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई थिंक देयर वाज सम इशू विद द कनेक्शन. डोंट वरी, हम लोग वो एडिट आउट कर देंगे व्हाइल वी आर डूइंग द ओके. या ओके, बताइए मैम. सो आप निफ्टी कप का वीडियो दिखा रहे थे, प्लीज गो अहेड मैम. या just a minute. It's I'm just putting the video of this. Huh. Can you see it? Yeah, can you see it? Yes, yes. हाँ, तो इसमें जो है निफ्टी कप में आगे एक रिजर्वायर होता है, तो आपको दूध सिर्फ वो रिजर्वायर तक ले जाना है और उसके बाद वो बच्चा वहां से सक कर लेता है, जैसे ये है. हाँ, तो ये रिजर्वायर तक आपको टिल्ट करना है. देखो बच्चा इसमें एक्टिवली सक कर रहा है और सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, बट ये बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होता है, तो इसलिए सब माओं के लिए ये बहुत ये पॉसिबल नहीं है. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कटोरी एंड व्हेन द ठीक है. ये चैनल क्या दिखा रहे हैं? ये चैनल से दूध जाके वो छोटी सी वहां पे सामने एक छोटी सी उसके कटोरी के सामने छोटी कटोरी है जिसके अंदर दूध इकट्ठा होता है और उसमें बच्चा पी लेता है, राइट? हाँ हाँ, देखो जैसे ये जो है, ये देखो आगे दिख रहा है आपको, छोटी सी कटोरी. हाँ, ये देखो छोटी सी, हाँ, उसमें दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है. ये चैनल होता है और उसमें से वो दूध आगे आके आगे के रिजर्वायर में आगे थोड़ी सी छोटा सा कुआं जैसे बनाए, तो उधर आके दूध रुक जाता है और उधर से बच्चा मिलता है. मैम, अगर कोई देखना चाहे स्पून फीडिंग भी, तो क्या उसके बारे में भी बता सकते हैं कि ऑल्दो वी अंडरस्टूड कि हमको फर्स्ट थ्री डेज के बाद ही नहीं करना है स्पून फीडिंग, लेकिन अगर फर्स्ट थ्री डेज में करना हो तो उसके बारे में भी अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो. हाँ हाँ बिल्कुल. तो ये स्क्रीन तो हम ये देखते हैं कि ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आपको स्पून से भी बच्चे के मुंह में पलटना नहीं है. आपको क्या करना है, देखो इस वीडियो में आप देखोगे कि चम्मच में दूध है और बच्चा खुद ही उसको लैप कर ले रहा है. बच्चा एक्टिवली वो दूध पी रहा है, माँ पोर नहीं कर रही है बच्चे के मुंह में. लेकिन ये पता चल रहा है कि इतना कम दूध है वो चम्मच में, इसीलिए बच्चा वो कर पा रहा है. अगर हम ज्यादा दूध लेंगे और जल्दी जल्दी डालेंगे तो वो तो हम एक्टिवली उसके मुंह में डाल ही देंगे, बच्चा खुद नहीं ले पाएगा. तो वो एब्सोल्युटली वो खुद तभी ले पाएगा जब उसमें थोड़ा सा ही दूध हो ना, तो वो हम पहले 3 दिन ही कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चम्मच जो है वो सिर्फ पहले 3 दिन ही आप यूज कर सकते हो, उसके बाद ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाती है. मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 80 ml 100 ml जो है इस चम्मच से एक एक चम्मच बच्चे को दूध पिलाए. मैम, आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कटोरी को हम वो कैसे करें, धोएं या क्या? मतलब हर बार बच्चे को दूध पिलाने से पहले क्या इसे स्टेरिलाइज करना है या साबुन से सिर धोना है, क्या करना है इसका? एक्चुअली शुरुआत में अगर आप चाहे तो इसको साबुन पानी से धोने के बाद गर्म पानी में डाल सकते हैं, जो कि जैसे आप अपने हाथ धोते हैं साबुन से, ऐसे ही आपको कटोरी भी साफ रखनी है. हाँ, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इसको गर्म पानी में भी डालने की जरूरत नहीं रहती है. अच्छा. आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर एकदम न्यूबॉर्न बच्चे के लिए थोड़ी सी आपको केयर लेनी चाहिए, स्पेशली अगर बच्चा प्री टर्म है तब तो आपको ये बॉइल करना ही चाहिए. तो मतलब दिन में सुबह एक बार बॉइल कर लिया और बाकी सारे बार अगर मैंने सिर्फ इसको साबुन से धो लिया तो बहुत है? फॉर अ फुल टर्म बेबी के लिए हाँ ये ठीक रहेगा, पर अगर बच्चा प्री टर्म है तो आपको हर प्री टर्म है और उसको अभी NICU से अगर आया है और उसकी कंडीशन ज्यादा उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आपको ये हर बार स्टरलाइज करना चाहिए. समझ गए समझ गए. तो आई थिंक मैम अभी कटोरी फीडिंग तो काफी क्लियर हो गया है.
अभी कुछ बॉटल के बारे में बात करते हैं मैम, कि ये जो बॉटल है आजकल स्लो फ्लो बॉटल्स भी आ गई हैं और लोग नई नई टेक्नोलॉजी से सेम ही चीज बना रहे हैं बॉटल, तो आप बॉटल के बारे में क्या कहेंगे कि सपोज अगर मदर काम पे गई है, बच्चा क्रेश में है, दादा दादी को देना है, तो क्या हम बॉटल यूज कर सकते हैं? और कितने लोग बोलते हैं दिन में एक बॉटल दे दी तो भी चलेगा, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द बॉटल? तो बॉटल से क्या हो जाता है, बॉटल जो है कटोरी, जिस तरह कटोरी में आप चारों तरफ से हाथ डाल के इसको साफ कर सकते हैं, आगे पीछे से कोई सा भी सरफेस ऐसा नहीं है जहां पे आप साफ नहीं कर सकते। पर बॉटल में जो है उसका एक स्क्रू कैप होता है और उसका एक निपल होता है, पीठ होता है, तो वहां पे जो है जर्म्स ट्रैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा उसके लिए हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हर बार जब आप बॉटल यूज करते हैं तो आपको उसको हर बार साबुन पानी से धो के और स्टेरिलाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपको इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है, और फिर भी क्वाइट पॉसिबल है कि ये बॉटल जब हम देते हैं बच्चे को, तो आपने बॉटल निकाली मुंह में से, रख दी वहीं, और फिर वही बॉटल बच्चे के मुंह में वापस दे दी, तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। और बॉटल से पाया गया है कि बहुत ज्यादा बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे इसको पूरी तरह से एकदम जितना आप कटोरी को साफ कर लेंगे उस तरह से ये बॉटल कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती है। बहुत ही मुश्किल है इसको मेंटेन करना, सफाई को। दूसरी बात ये है कि जब माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है और बॉटल भी देती है, तो क्या हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त उसको बच्चा एक्टिवली लैच करता है और सक करता है, और जबकि बॉटल में क्या हो जाता है, मिल्क उसके मुंह में फ्लो होता रहता है, ये पैसिव फीडिंग हो गया। तो ये बच्चे को अगर आप दोनों चीज देते हैं तो बच्चा सोचता है कि मैं एक बार तो कुछ मेरे मुंह में आता है तो मैं उसको मुझे सक करना पड़ता है, और दूसरी बार जब मेरे को कुछ देते हैं तो ये मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो अपने आप दूध आ जाता है, तो उसके मन में कंफ्यूजन हो जाता है। इट्स कॉल्ड निपल कंफ्यूजन, कि मैं मतलब फिर वो सोचता है कि मैं वो सक करना बंद ही कर देता है। अगर आप बॉटल देने लगो तो वो सक करना बंद कर देता है, और फिर आप ब्रेस्ट पे वापस लेते हो तो वो सोचता है कि दूध ऐसे ही आ जाएगा। तीसरी बात ये है कि जब वो ब्रेस्ट पे दूध पीता है और बॉटल से दूध पीता है, मतलब एक बार ब्रेस्ट से और एक बार बॉटल से, तो बॉटल में ज्यादातर फ्लो ब्रेस्ट से फास्ट होता है। तो ये फास्ट फ्लो होने की वजह से जब वो ब्रेस्ट पे आता है तो वो सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी दूध क्यों नहीं मिल रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो ब्रेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ये फास्ट फीडिंग की वजह से जो बॉटल है उसमें ओवर फीडिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। माँ ने सोचा कि अगर 90 ml है बच्चे को चाहिए और बच्चे को उस समय भूख सिर्फ 70 ml की है, तो वो पूरा 90 ही पी जाता है, तो इससे उसकी स्टमक कैपेसिटी बढ़ती है, कैन लीड टू ओबेसिटी। थर्डली क्या है, बच्चा का जो माउथ है वो बहुत ही एक सेंसरी ऑर्गन है, तो जब आप निप्पल देते हो, ब्रेस्ट फीडिंग में निप्पल डालते हो बच्चे के मुंह में, तो क्या हो जाता है, निप्पल पैलेट को टच करता है तो बच्चा सक करता है, और जब बच्चे का पेट भर जाता है तो वो उसका मुंह थोड़ा सा ढीला हो जाता है, निप्पल फॉल्स आउट। Yes. Whereas in a bottle, what happens? A bottle nipple is very firm. It's made of plastic or silicone and it's very firm. तो वो बॉटल का निप्पल, even if his stomach is full, it remains there. And because of that, there is overstimulation and overfeeding. Another thing is that the child is not in control. The child is just not in control where you're bottle feeding, unless the mother is doing paste bottle feeding. Right. तो मैम, ये control में नहीं रहने की वजह से ही जो ये myth आया है कि late के breast feeding मत करो क्योंकि कान में चला जाएगा दूध, but it's actually true for bottle feeding. कि लेट के बॉटल फीडिंग करते हैं तो अ लॉट ऑफ मिल्क पूल्स इन द माउथ ऑफ द बेबी एंड इट गोज टू द ईयर ऑफ द बेबी, बिकॉज ये जो बॉटल फीडिंग है इसमें बच्चे को कुछ मसल्स, कुछ स्ट्रेंथन ही नहीं होते, कुछ एक्सरसाइज ही नहीं होते ना, बस उसको तो चूसना है, कुछ ज्यादा अच्छे से उसको सकल करना ही नहीं है, तो ये मसल्स वीक रहते हैं और द मिल्क गोज इन द ईयर,
दूसरी चीज जैसे आपने बोला एक्टिव फीडिंग नहीं हो रही है, पैसिवली मिल रहा है, तो इट कैन गो इन द लंग्स, राइट? सो यू आर सो राइट, एंड ओबेसिटी इज सच अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ बॉटल. सो मैम, कितनी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी मदर्स मुझे मिलती हैं जो कहती हैं कि हमें पता नहीं था ये सब बॉटल के बारे में, लेकिन हमने तो शुरू कर दिया, तो 2-3 फीड्स बच्चा बॉटल रोज लेता है और थोड़ा ब्रेस्ट फीड भी करता है, तो अब मैं कैसे बंद करूं बॉटल? मुझे टोटल 100% ब्रेस्ट फीडिंग पे जाना है, तो क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है. तो इसमें माँ को, माँ बहुत ही कमिटेड है और मतलब उसको पेशेंस के साथ, बच्चे के साथ ये हमको उसको ये रास्ता दिखाना है कि हो सकता है. तो उसमें आपको क्या करना है, बॉटल कंप्लीटली बंद कर देनी है. तो शुरू में बच्चा जो है अगर बॉटल से बहुत ही, बॉटल का बहुत ही आदि है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पहले फिंगर फीडिंग शुरू कर सकते हैं. तो फिंगर फीडिंग क्या होता है मैम, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं? ऑल्दो हमको ये लैक्टेशन कंसल्टेंट के साथ ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मदर्स को पता हो कि ये कैसे होता है, फिर भी उनके लिए अच्छा रहेगा. तो आप अगर फिंगर फीडिंग में वीडियो दिखाती हूँ और उसके साथ साथ बताती हूँ कि कैसे आपको करना है. जी मैम. तो हाँ, तो इसमें जो है, इसमें जो है आपको क्या करना है, दूध एक बॉटल में रखते हैं और वहां से एक ट्यूब आती है, और वो ट्यूब जो है आप अपनी फिंगर पे, आप अपनी अंगुली पे टेप कर लेते हैं. जो थंब का, जो नेल का साइड है, उस साइड नहीं, जो दूसरा पैडिंग साइड है थंब का या फिंगर का, उस फिंगर पे आप टेप कर लेते हैं ट्यूब को. और वो फिंगर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई फीडिंग करा रहे हैं तो आपको हाथ अपने साफ रखने हैं, इसमें स्पेशली साफ रखने हैं, नेल्स कट होने चाहिए, और टेप करके, टेप बच्चे के मुंह में ना जाए, पीछे टेप करना है. और फिर ये फिंगर बच्चे के मुंह में देनी है. आपको कहाँ तक देनी है ये फिंगर, जहां तक आप सोच, बच्चे का एक सॉफ्ट और हार्ड पैलेट का एक जंक्शन है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, सॉफ्ट पैलेट पे नहीं जाना चाहिए, हार्ड पैलेट जो कड़क सा तालू है वहीं तक जाना चाहिए. और इसमें बच्चा जब आप उंगली देते हैं तो बच्चा सक करने लगता है, और बच्चा जब सक करता है, तो ये दूध उसमें से उसको मिलने लगता है. तो इसके बाद जब बच्चा फिंगर फीडिंग का आदि हो जाए, तो उसके बाद क्या हो जाता है, बच्चा क्या कर सकता है, हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं. फिंगर फीडिंग, हमारे पास फिंगर फीडिंग का वीडियो है क्या? हाँ, एक मिनट. तो मैम, फिंगर फीडिंग का क्या एडवांटेज है? जब हम बॉटल बंद करते हैं तो फिंगर फीडिंग पे क्यों लेके जाते हैं बच्चे को? बच्चा जो है अगर बॉटल पे है और उसने उसने ब्रेस्ट जो है लेना बंद कर दिया है, तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली बॉटल से कंप्लीट बॉटल पे है और हमको उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लाना है, तो कंप्लीटली वो डायरेक्टली ब्रेस्ट पे वो रिजेक्ट कर देगा ब्रेस्ट, तो उसको हमको धीरे धीरे वहां तक लाना है. okay. तो हमको शुरू में क्या करना है, बॉटल की जगह उसको फिंगर देनी है. तो फिंगर में क्या हो जाता है, बच्चे को क्योंकि वहां पे टेप से ट्यूब टेप्ड है और वो ट्यूब से बच्चे को दूध मिल रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे को बहुत ही आसानी से दूध मिलता है. और ये ट्रांजिशन फेज है. okay. इसमें जो है हम बच्चे को ब्रेस्ट की तरफ ले जाने के लिए ये पहला कदम हम ले रहे हैं बॉटल बंद करने के बाद. तो ये कितने दिन तक, लगभग 2-3 दिन तक रखते हैं, राइट? ये कि और भी चलाते हैं ये फिंगर फीडिंग? नहीं, आप 2-3 दिन कर ले तो भी बच्चे को इसमें से एकदम आराम से वो उसका आदि हो जाता है और वो बॉटल भूल के आपकी फिंगर सक करने लगता है. तो इसमें वो एक्टिव सकिंग भी सीखता है. okay. वो एक्टिव सकिंग भी प्रैक्टिस करता है और एक्टिव सकिंग से ही उसको दूध मिलता है. तो ये तो कितना अच्छा टेक्निक है जो माँ आराम से कर सकती है और इससे तुरंत बॉटल बंद हो जाएगी. मतलब पहला एक बहुत बड़ा माँ के मन पे लोड होता है कि बॉटल कैसे बंद करूं मैं, तो बॉटल तुरंत बंद होती है और एक ट्रांजिशन फेज में हम इसको यूज कर सकते हैं ना. लेकिन ऑफकोर्स एक लैक्टेशन कंसल्टेंट के गाइडेंस में ही ये हमेशा करना चाहिए हमको. तो इसके बाद कौन सा स्टेप होगा मैम, अगर हमें ब्रेस्ट की तरफ जाना है तो? हाँ, इसके बाद जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना है
पर ब्रेस्ट पे अगर उसको बहुत ही स्लो स्लो फीड मिला तो खुश नहीं रहेगा वहां पे, तो हम हाँ, क्योंकि बॉटल से उसको आदत हो गई है फास्ट फीडिंग की ना, तो ब्रेस्ट से तो स्लो आएगा तो लेगा नहीं, तो हमको कुछ तो इंसेंटिव देना होगा उसको। करेक्ट, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ट्यूब टेप कर सकते हैं, जैसे ये फिंगर पे टेप की थी ऐसे ही सेम। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ, तो उस पिक्चर में आपको दिखाया है कि कैसे टेप करना है वो ट्यूब को, किस तरह से टेप करना है। तो आप ये फिंगर, आप ये ट्यूब को एक साइड दूध में डालना है और दूसरे साइड आपको अपने ब्रेस्ट पे उसको टेप करना है। तो आपको ये हाँ तो ये आपको इस तरह से टेप करना है, बच्चे की अपने निप्पल के 2-3 मिलीमीटर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे। और टेप ये कहाँ लगाएंगे आप, जहां पर बच्चा ब्रेस्ट लेता है वो जगह छोड़कर उसके बाद आपको टेप लगाना है, ताकि टेप मुंह में ना चली जाए उसके, ना जाए। हाँ हाँ। और मैम ये जो टेप है ये ब्रेस्ट के ऐसे साइड में 3 o'clock पोजीशन 6 o'clock पे लगाएंगे कि ऊपर 12 o'clock पे लगाएंगे? एक्चुअली मैंने देखा है कि बच्चे को अगर आप पैलेट के साइड से वो ट्यूब जाती है हाँ, तो ये बच्चा बहुत ही आसानी से उस ट्यूब में से दूध खींच पाता है। मतलब ऊपर के साइड से अगर ट्यूब उसके मुंह में जा रही है ऐसे कोई है ना, थोड़ा सा ये एंगल ऑफ द माउथ के यहाँ ऊपर से, यहाँ से अगर वो यहाँ से जाएगी तो फिर बच्चे को कंफर्टेबल नहीं होगा, और यहाँ से भी आएगी तो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो इतना हाँ वो सक्शन नहीं इतना कर पाएगा जितना वो पैलेट की तरफ से जब ट्यूब जाती है तब वो सक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो मैम ये साइड में बॉटल लगानी है कि साइड में वो आपने एक जो वीडियो दिखाया है उसमें तो सिरिंज में से दूध आ रहा था फिंगर फीडिंग के टाइम, तो दिखाती क्या लगा सकते हैं उसमें? हाँ तो मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली आप या तो किसी बॉटल में दूध रख सकते हैं या एक कटोरी में भी रख सकते हैं, कटोरी। तो इसमें आप देखेंगे मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, तो इसमें कटोरी में दूध रखा है और ये ट्यूब का दूसरा कोना जो है, दूसरा एंड, वो दूध में डिप कर दिया है और एक कोना माँ के ब्रेस्ट पे टेप कर दिया है। तो बच्चा जब पीता है तो उसको उस टेप में से बहुत जल्दी से, उस ट्यूब में से बहुत जल्दी से दूध मिलता है और वो माँ के ब्रेस्ट पे आने के लिए तैयार हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पे दूध मिल रहा है। ये तो बहुत ही एक सुंदर तरीका है मैम टू गेट द बेबी फ्रॉम बॉटल टू ब्रेस्ट, लेकिन इसमें मेरा फिर एक डाउट है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रेस्ट पे एक इंसेंटिव दे रहे हैं बच्चे को आने के लिए, तो क्या बच्चा ट्यूब छोड़ता है कि ट्यूब ऑन ब्रेस्ट से क्या बच्चा ट्यूब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे आता है? हाँ आ जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है बच्चे को शुरुआत में हम इंसेंटिव देने के लिए ट्यूब लगाते हैं कि आपको बहुत जल्दी दूध मिलेगा। अब बच्चा जब अपनी मसल्स एक्सरसाइज करता है और चूसने, उसको ये रिफ्लेक्स तो बहुत ही, उसको ये रिफ्लेक्स रिपीट करना है, ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होता है, तो जब ये रिफ्लेक्स वो यूज करता है, वो बार बार सक करता है, तो उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और माँ को स्टिम्युलेशन मिलने की वजह से माँ की सप्लाई भी बढ़ती है। तो माँ की सप्लाई बढ़ती है, बच्चे की मसल स्ट्रांग होती है, तो उसको दूध डायरेक्टली ही लेने में मजा आने लग जाता है, उसको मिलने भी लग जाता है, तो फिर बाद में धीरे धीरे आप ये ट्यूब फेज आउट कर सकते हैं। वाओ, तो मैम ये ट्यूब, किसी का क्वेश्चन आया है कि ट्यूब को फिर हम लोग क्या रोज बदलेंगे या हम इसको साफ कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो काफी बारीक ट्यूब होती है। हाँ हाँ एक मिनट, मैं आपको जरा एक ये वाला वीडियो बता रही हूँ। एक और वीडियो है मेरे पास जिसमें, हाँ हाँ, जिसमें बच्चे को ट्यूब फीडिंग से फीड कराया है। इट्स जस्ट अ 16-second क्लिप, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें बच्चा बहुत ही क्लियरली सक कर रहा है और ये जो सब मेथड्स मैंने बताए हैं दूध पिलाने के, हाँ इसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये मेथड्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अच्छा अभी पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तो इसमें तो कितना अच्छा फीडिंग हो रहा है।
हाँ ये जो है स्वाति ने मेरे साथ, मेरी फ्रेंड स्वाति ने शेयर किया है, और वो पहला वाला वीडियो मेरी फ्रेंड दीप्ति का था। तो ये लोग ने म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में और बाकी हॉस्पिटल्स में ये ट्यूब फीडिंग ट्राई की। एक और बार प्ले करेंगे, उसमें दिख रहा है कि अच्छे से साइड से जा रही है ट्यूब बच्चे के, हाँ, मुंह के साइड से, नीचे से भी नहीं ऊपर से भी नहीं, पर साइड से जाके मेरे ख्याल से पैलेट की तरफ थोड़ा सा ट्यूब पे जाना तरफ, हाँ 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 और बहुत अंदर भी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बच्चे को गैग रिफ्लेक्स हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निप्पल से, निप्पल के जस्ट वन, एक थोड़ा सा 1 या 2 mm आगे, बस उससे ज्यादा नहीं, ब्यूटीफुल, नहीं तो उसको बहुत ही वो चुभेगी। तो मैम ये बॉटल टू ब्रेस्ट ट्रांजिशन कितने महीनों तक कर सकते हैं, क्या हम ये 6 महीने के बच्चे में भी कर सकते हैं? ये एक्चुअली प्रेफरेबल रहता है कि हम मतलब ये मदर जितना जल्दी उसको उसको ये महसूस होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट पे लाना है, उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर बच्चा ब्रेस्ट पे आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि माँ का मिल्क सप्लाई भी बढ़ जाता है, बच्चे की मसल्स वो भी सक करके उसको बॉन्डिंग होती है, मतलब देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग डायरेक्टली। वाओ वाओ, तो ये सब ट्रांजिशन। I just have one last question, ma'am, कि इसको हम साफ कैसे करेंगे? जैसे किसी का question आया है, तो ये ट्यूब को साफ करना कितना दिक्कत का काम लग रहा है, पतली ट्यूब है। हाँ, पर ये पतली सी ट्यूब जो है, इसको आप पानी के नीचे धार में पकड़ेंगे, हाँ, तो ये इसमें से पानी पास हो जाता है, जैसे इसमें दूध पास हो रहा है ऐसे इसमें पानी भी पास हो जाता है, तो सोपी वाटर भी आप पास कर सकते हैं। ओके मैंने हाँ, ऐसे कहीं पढ़ा था मैम की, एंड जनरली दिस इज वॉट इवन आई हैव एडवाइस टू पेशेंट्स की, एक भगोने में थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें लिक्विड सोप डाल लो, तो ऐसे वार्म सोपी वाटर हो जाएगा। एक सिरिंज खरीद लो, सिरिंज में से वो भर के ऐसे पुश कर दो, ताकि वो अंदर से ना पुश करके तो अच्छे से निकल जाता है सोपी वाटर, और फिर नॉर्मल पानी, गर्म पानी पुश कर दो तो साफ हो जाती है। तो जनरली हम लोग प्री टर्म्स में तो रोज ही चेंज करते हैं ट्यूब, और अगर टर्म बच्चा हो 2-3 महीने का हो तो फिर हम बोले एटलीस्ट एवरी फ्यू डेज यू कैन चेंज, और मैक्सिमम 1 week यू शुड चेंज। ओके, सो मैम ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपने बॉटल टू ब्रेस्ट ट्रांजिशन की स्टोरी बताई, और आई होप जितनी भी मदर्स यहाँ सुन रही हैं उनको रियलाइज होगा कि बॉटल को छोड़ करके हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आज आपने बताए, स्पेशली कप है, फिर निफ्टी कप है, बोंडला से आपने बताया कैसे पिला सकते हैं, फिर हमारे पास स्पून का भी राइट टेक्निक सीखा है हमने, तो आई थिंक दिस विल गिव अ लॉट ऑफ होप टू अ लॉट ऑफ मदर्स। आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि कभी कभी जब बच्चा NICU से निकलता है तो वो NICU में है और वो उसको ट्यूब फीडिंग चल रही है, तो ट्यूब फीडिंग से डायरेक्टली वो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं आ सकता है, आ पाता है, तो उस दरमियान उसको कप फीडिंग या कटोरी फीडिंग बहुत ही काम आता है। Wow. या कभी कभी माँ और बच्चा सेपरेटेड है तो माँ दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को कटोरी बच्चे को भेज देती है, तो वहां कोई भी जो भी बच्चे के पास है वो कटोरी से पिला सकता है। या एक ऐसी सिचुएशन है कि माँ और बच्चा साथ में है और बच्चा दूध पी सकता है पर माँ को लैचिंग के टेक्निक लैचिंग नहीं जम रही है, वो बराबर से लैच नहीं करा पा रही है, तो ऐसे समय में वो एक्सप्रेस करके देती है और प्लस लैचिंग कैसे सही करे इसके बारे में भी जानने की कोशिश करती है। ये जब जब तक वो सीखती है कि कैसे बच्चे को लैच करे और बच्चा डायरेक्टली कैसे पी ले, ये बाकी जो मेथड्स हैं स्पून कटोरी ट्यूब फीडिंग फिंगर फीडिंग, तो ये बाकी सब मेथड्स वो यूज कर सकती है जब तक वो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पर बच्चा नहीं आ जाता। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट मैम, दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, एंड मैंने बहुत इसके ऊपर डायलॉग देखा नहीं है ये अल्टरनेटिव मेथड्स के ऊपर, तो आई थिंक दिस विल रियली हेल्प मदर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। ओके, शिल्पी, कैन नाउ वी आई वेलकम शिल्पी एंड आवर मदर स्नेहल पानसारे। तो स्नेहल पानसारे विल बी इंटरव्यूड बाय शिल्पी Malhotra. Shilpi Malhotra is a lactation consultant in Navi Mumbai, and Snehal Pansare is a mother of a 2-year-old very beautiful boy, and she stays in Pune. So Shilpi, please come on.
First of all, thank you, Manju ma'am, for giving us such an in-depth and insightful way of dealing with the low supply in case of mothers, as well as creating hope in them. Yes, they can do it. Breastfeeding is every mother's dream. And even if there are some problems initially, you have given them positive, thoughtful hopes. Yes, you will be able to do it. Thanks a lot, Manju ma'am. So, with all these positive notes, we will move ahead to welcome our mother, Snehal Pansare, who is an epitome of faith in herself. So, it is commonly said that faith does not make things possible. It makes things happen. So, Snehal, in spite of struggling with few days of roller coaster ride, as every breastfeeding mother suffers, she had faith in herself, and she was able to breastfeed even after 6 weeks of when she decided on she wants to stop bottle, she wants to stop formula. She was able to do it. So Snehal, welcome. Yes. So please, can you please first share us the breastfeeding journey? What problems were there when you started breastfeeding post delivery, or what are the things which were happening around you which you were not able to breastfeed properly? So can you please share us the journey in that way? Yeah, sure. So when my delivery happened, it was a C-section delivery, and for almost 1 day, there was no contact of my baby on the breast. The nurses were feeding formula, and then on the second day, the nurses started giving me my baby on the breast for initial 10 minutes before they could feed the formula. And then, but there was no milk supply that time. So immediately after the 10 minutes when the baby was still hungry, they used to take him and feed him the formula. So this continued for 2 days. There was no milk supply, and I was getting nervous. Why there's no milk supply? I want to feed my baby. So then a lactation consultant came, and she checked, and she said that we might need to start certain medicines which can establish the milk supply. So then I started taking the medicines, and even after that, when I started taking medicine, I faced that my breasts were engorged, but my baby was not still able to take milk from the breast, and the formula was still continued. Lactation consultant demonstrated all the latching positions and all, but that was all theoretical. No, there was no practical demonstration how I can really do it. It was fourth day, my baby was still not taking milk from my breast, and since my breasts were engorged, the medicines were stopped. But even after that, there was, I'm not sure whether the milk supply wasn't there, whether the latching position wasn't proper, but the breastfeeding was not happening. So the hospital was giving me discharge, but then I said, what will I do after going home? I'm not able to feed my baby on the breast. So I stayed one more day in the hospital just to make sure that it happens in the hospital itself. Again, in that 1 day, everything got arranged, like the lactation consultant again visited, the nurses were there for feeding session, and then I felt that in 1 day at least I got assurance that the milk supply is there and I can feed my baby. And then on the fifth day we got discharged. After coming home for almost 5 days, I was feeding my baby on the breast. Initial 3 days were okay, even though my baby was latching for almost 1 hour. I thought it was going fine. But after that, I was still seeing that the urine is still yellow, and my baby is still not gaining much weight. So I visited a nearby pediatrician, but he said that it would happen. Just wait for a few more days. He would gain the weight. But on the 10th day, I had to visit hospital because of my stitches. So in the hospital, then I had a visit
to pediatrician as well. So when I went there, his birth weight was 3.2, and when he weighed there, it was 2.5. So it was a drastic loss, weight loss in just 10 days. And then he said the baby is highly dehydrated, so we have to take him to the NICU, and he has a severe jaundice. I was completely collapsed. I was continuously crying. I had no idea what to do, because I thought it was the biggest failure for me that I wasn't able to feed my baby. So when he was in NICU, even though the formula was there, doctors had asked me to pump the milk and give it to the nurses so that they could feed him. So first session when I had, hardly few mls came out, but after that milk supply was literally 0 ml. So on the, this was the situation on the 11th day. Then they were feeding formula continuously. He got out of NICU. We stayed there for 4-5 days. Again, the hospital arranged for lactation consultant. She again started me giving some medicines, and so everyone was saying ki पहले बच्चे को 20 मिनट तक यू कीप हिम ऑन द ब्रेस्ट, अगर वो फिर भी नहीं फुलफिल हो रहा है देन यू गिव हिम फॉर्मूला. तो देन वी गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड देन वी स्टार्टेड द सेम प्रोसेस, बट आई द मिल्क वाजंट देयर एंड वी वर गिविंग फॉर्मूला. So there was only way that we could figure out ki hum kaise formula, itna formula hum kaise har baar usko feed kare. So then we started using bottle. So I think 15 din ke baad we started using bottle. But bottle start karne se problem ye hua ki he was continuously gulping the milk. Aur us time to kuch nahi hota tha. But jab bhi wo sota tha, usko bahut zor se khansi aati thi. And it was so... it was like that ki abhi uski saans atak na jaye. We used to get scared very much. Again, I consulted few doctors, few pediatricians, but the basic problem was milk supply, and I was not able to get rid of bottle, and the cuffing was continued. I had my sister along with me. She had she was just had done her MBBS. She was also searching ki kahi se to kuch to hope dikh jaye so that we can get rid of these two problems. So through some common contacts, we got the number of Dr. Taru. And after 6 weeks of my delivery, I called her and we had her first session. So the first thing that we decided that we should stop the bottle first, and second, three things basically, stop the bottle. Second thing, we have to start the proper methods how we can establish the milk supply. One was to start taking the galactose elements, and the second was to start pumping. So since my baby was not sucking on the breast, he, because of the all the sequence of events that had happened, जब भी मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट पे लगाती थी, used to fall asleep. वो बिल्कुल भी सक नहीं करता था. Even if he was sucking, it was very like very slowly, and it was not having that much intensity that one should have. So after the then first call of my first call with Dr. Taru, I stopped bottle, and then we started with finger feeding. So first thing we did was start with finger feeding and start pumping. So Sehal, sorry for interruption, but जब आप पहली बार 6 weeks के बाद तारु मैम से मिले थे और उन्होंने आपको एक ही दिन में बॉटल बंद करने के लिए बोला, तो आप क्या सोच समझ पाए थे कि क्या ये मिराकल की बात जो वो कर रही है वो हो पाएगा? ऐसा आपको लगा था एक दिन में जो बच्चा इतने 6 वीक से बॉटल से पी रहा था दूध और अचानक से बंद कर दिया गया, तो आपको कहीं डर नहीं लगा ऐसा कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा या कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा? एक्चुअली लगा था फिंगर फीडिंग, इवन आई वाज अनश्योर कि फिंगर फीडिंग करते कैसे है. Everything it was completely new for me, but then I was seeing ki wo jab bhi usko khansi aati thi
हम बहुत डर जाते थे कि पता नहीं अब उसकी सांस अटक ना जाए, इस तरह से वो खांसता था. तो देन दैट्स व्हाई इट वाज अ ड्राइविंग फैक्टर कि नहीं, बॉटल बंद तो करनी ही है. तो देन शी हैड शेयर्ड फ्यू वीडियोस ऑफ फिंगर फीडिंग कि कैसे करते हैं, और जब हमने किया इट वाज वेरी इजी. फिंगर फीडिंग मतलब आप जैसे हमने अभी मंजू मैम से देखा कि आप अगर बच्चा स्लोली भी सक कर रहा है ना तो भी मिल्क यूज टू कम. तो हमने जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिकम सक्सेसफुल. तो फिर एक टेंशन तो गया कि चलो बॉटल तो बंद हो सकती अभी इस, सो इट वाज इजी एज वेल. तो उसका इतना लोड नहीं आया उस टाइम कि हाँ हो दिस इज पॉसिबल. ओके, तो मतलब एक ही उसमें आपको फेथ तो आया कि आप कर पाओगे, और जो पुराना जो आपका जो विश्वास था कि नहीं मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, वो शायद बहुत हेल्प कर रहा था आपको. हाँ, सो एक तो ये था. दूसरा ऑनेस्टली आई वाज़न्ट श्योर कि मेरा मिल्क बिल्कुल भी नहीं था, और हाउ वुड आई गेट रीड ऑफ फॉर्मूला. बट इट वॉज अ प्रॉपर गाइडेंस एंड जो सपोर्ट मुझे मिला और जो पॉजिटिविटी आई गॉट फ्रॉम डॉक्टर तारू मैम कि नहीं यू कैन ट्राई एटलीस्ट ट्राई एंड देन सी व्हाट हैपेंस. सो फर्स्ट डे आई स्टार्टेड पंपिंग और आई हैड 7 सेशंस ऑफ पंपिंग, और जिसमें मेरा टोटल एक दिन का पूरा टोटल काउंट था अराउंड 50 ml. देन आई अगेन स्पोक टू हर कि बस इतना ही निकला है. तो देन शी सेड कि नहीं इट वोंट हैपन इन वन डे और वन वीक, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. शी सेड सी इफ यू कैन मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन पंप. सो देन सेकेंड डे आई स्टार्टेड डूइंग इट 9 times a डे. सो आई डिवाइडेड बाई 24 hours इन टू 2 hour स्लॉट, एंड आफ्टर एवरी 2 hour स्लॉट आई यूज टू पंप, वेदर इट्स डे नाइट doesn't matter what time it is, but I made sure that I at least pump the milk 9 times a day. So again 3-4 days went, but then I was still getting nervous ki are nahi ho raha hai, only few ml's were getting increased. But after 4-5 days I actually started seeing the increase in the milk supply. So that gave me intense confidence ki nahi ye ho sakta hai. Let it take time, but at least in a few weeks of time, I would be able to get rid of formula and main apne baby ko completely breastfeed pe la sakti hu. So this increase and the continuous, I was having continuous talk with Dr. Taru. I used to daily write down the time and the kitna milk aaya har session se. I used to send her, and uske wajah se I got ki mujhe bhi pata chalta tha ki हाँ प्रोग्रेस हो रहा है एंड दिस इज पॉसिबल. सो दैट वॉज द अदर थिंग. सो विद इन इन आई रिमेम्बर इन 5-6 weeks आई कुड कम्प्लीटली स्टॉप फॉर्मूला. इट क्रॉस 800 ml ऑफ मिल्क फॉर वन डे. सो आफ्टर दैट आई कम्प्लीटली स्टॉप फॉर्मूला एंड आई कंटिन्यूड. सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट वन वीक वी ट्राइड फर्स्ट वीक व्हेन आई हैड अ सेशन विद डॉक्टर तारू. फर्स्ट वीक वी ट्राइड विद फिंगर फीडिंग. व्हेन वी गॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड वी मेड श्योर दैट कि बच्चा फिंगर फीडिंग पे आ रहा है, देन डॉक्टर तारू सजेस्टेड टू गो विद ट्यूब फीडिंग. एंड द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड व्हेन वी स्टार्टेड फिंगर फीडिंग वाज मेरे बेटे की खांसी बिल्कुल रुक गई, नॉट इवन वंस. So that was a big relief and big motivation to continue this process. Fir humne breastfeeding start kiya, tube on breast start kiya. To initially hume thoda issue hua kyunki baby ka face hilta tha to tube nikal aati thi, fir wo सेलोटेप उसके मुंह में जा रही थी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए. बट आफ्टर 2 days वी गॉट वेरी कंफर्टेबल. सो व्हेन आई से वी आई ऑलवेज हैड वन सपोर्ट. सो माय सिस्टर वाज देयर हु यूज्ड टू होल्ड द बॉटल एंड इंसर्ट द ट्यूब का एक एंड स्लोली बेबी के मुंह में स्लाइड से इंसर्ट करती थी. सो इट वाज नॉट अ माय सिंगल जॉब, माय सिस्टर वाज देयर टू हेल्प मी आउट इन दिस प्रोसेस. So then we started doing that. Or at the, जैसे मैंने बोला कि 6 weeks के बाद we had completely stopped formula. And उसके बाद भी the milk, since I was still continuing the pumping, मेरा milk supply crossed 1,000 liter.
I was storing the milk, all that excess milk, in the refrigerator, and my freezer section got completely filled up with all the excess storage that I was doing. Snehal, yeah. Again disturb कर रही हूँ, पर 5 weeks के अंदर आप 50 ml से लेके और 1000 ml पे पहुँचे थे. Yes. With pumping and with your positive attitude and faith in yourself. Yes. So वो 1000 ml milk मतलब 5 weeks plus 6 weeks, 6 weeks plus 5 weeks, and you were able to completely stop formula. Yes. Okay, perfect. Please carry on, Snehal. Yeah, so then, so after 6 weeks of, so almost 3 months, I was able to get my baby completely on the breast milk. My baby was still not completely on the breast, but I was happy that at least he is close to me. He is sucking from the breast, even though it is not 100% coming from the breast, but it was my breast milk. So that was the best feeling that I had got at the end of the 6 months, that 3 months that I could achieve. And after that, I continued expressing, and I was able to breastfeed my baby till he became 1.5 year old. Even though I reduced the frequency of the pumping, but I continued breastfeeding. The reason why I continued for so long is I was actually seeing the effects on my baby. He was becoming very healthy. He was becoming very, his immunity was very good, and it is still good, touch wood. But yeah, that was the reason why I continued for so long. Anyway, we all know that breastfeeding is very important, and that has very, very disadvantages. So I didn't give up on that. Very nice, Snehal. मतलब ये तो एक बिल्कुल जैसे हमारी lactation की books में लिखे जाने वाली एक story है कि आपने formula से लेके और 5 weeks के अंदर आपने formula हटा दिया, baby breast पे आ गया, तो the joy which I would like you to share with all of us is visible in your on your face, in your voice. कि आप कितने खुश दिख रहे हैं, इस समय भी दिख रहे हैं. अच्छा, एक बात और है स्नेहल, आपने 1.5 साल तक पंपिंग किया और 1.5 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट ऑन ट्यूब देते रहे, कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर ऐसा लगा कि बस हो गया, अब नहीं हो पा रहा है? आपने वर्क भी ज्वाइन किया, आई गेस 10 months के बाद में यू स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो. So how did it happen? Pumping, tube on breast, then storing of the milk, usko thaw karna padega milk ko, kaise possible kaise tha itna sara kaam? So first important thing is support from your family. So for 5 months I was at my parents' place, where my sister was there. She was completely with me during those 5 months. She was sitting with me holding bottle. Jab bhi main pumping karti thi, she was taking care of my baby. My parents were there to take care of him. And when I went to my in-laws, my husband was there. So during daytime, my mother-in-law used to sit with me, and otherwise my husband was there to hold the bottle and all the support to take care of the baby and everything while I was doing all these things. So the support from family was very important, and no one was there to say that ki nahi chhod do, formula to formula, but don't continue that. Everyone was supporting ki nahi karo tum, we will take care of the rest of the things. And when I started working, so jab mera beta 10 months ka hua, I started working, but I was doing work from home for initial 3-4 months. After that, I started going to office. So even when I was in office, jo bhi mera storage maine karke rakha tha, wo spoon se mere ghar mein meri in-laws thi, wo spoon se mere bete ko dete the. Or otherwise, I was home morning, night, or whenever I reach home, I used to do the pumping and feed that milk to my baby. So that's how I continued for so long. Too good, Snehal, too good.
अगर हम मैं अपनी लैक्टेशन की प्रैक्टिस में देखती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मदर्स को मुझे सब बताना पड़ता है, समझाते हैं हम कि यस ट्यूब ऑन ब्रेस्ट जो है वो काफी अच्छा एक तरीका है बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देने का, बट मदर्स 3 से 4 दिन में होप्स छोड़ देती है कि नहीं ये तो बहुत ही कंबर्सम प्रोसेस है, ट्यूब को स्टेरलाइज करना पड़ेगा, या हमें वाटी और इतना बॉटल को हमें बार बार स्टेरलाइज करना पड़ रहा है. बट हैट्स ऑफ टू यू, यू कंटिन्यू टिल 1.5 ईयर ऑफ द बेबीज एज, दैट इज रियली फैंटास्टिक. सो लास्ट में एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, आप बहुत ही एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, मैन व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द मदर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद लो सप्लाई और आर स्ट्रगलिंग विद लैचिंग प्रॉब्लम्स पोस्ट डिलीवरी, व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द मदर्स? या सो फर्स्ट थिंग इज डोंट लूज होप, इट्स पॉसिबल, देयर इज नथिंग इज दैट इज नॉट पॉसिबल. You, if I can do from at the 6 months, after 6 weeks of my delivery, if I can reach from 50 to 1000 ml, I'm sure anyone can do it. It's just that you should be consistent and you shouldn't lose hope. Be positive and keep doing. Once you start seeing the result, there won't be anyone who can stop you. Then you would only feel ki nahi ye ho raha hai, so we should continue. So this is the first thing that I would say. Second thing is understand that breast milk has it's very important for a baby, and it is actually their right to have. So just continue, put in all your efforts, and I think you can do it. Nothing is going to stop you from that. And the very important thing that I, in my case, was to have the right lactation consultant. I don't think I would have done it without that. So it was very important for to have a right lactation consultant. Perfect. So that means, Taru ma'am, we are presenting another example of giving up hope se lekar giving hope to everybody. So thanks a lot, Snehal, for sharing the breastfeeding journey with all of us. And over to you, Taru ma'am. Yeah, thank you so much for this opportunity. You make all of us proud by what you have done for your baby, and it's an example for everyone to follow. For what can be done? जब हम कीचड़ में फंसे हुए होते हैं तो बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसका भी example, और what not to do? How, why not to introduce bottle to the baby, and why not to introduce formula, why working on breastfeeding skills is so important for a health professional, so that they know how to support a mother in increasing supply, in correcting the latch and position instead of prescribing a bottle, instead of prescribing formula. So we are very proud of you, Snehal, and thanks a lot for sharing your journey with us today. Namaste. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks, Shilpi.